नहीं, अभी का एग्जाम है और पार्ट फर्स्ट हमने कर लिया था, पार्ट सेकंड करने वाले हैं। और इसके बाद आपको पीडीएफ भी दे देंगे रिवीजन करने के लिए, टेंशन ना लो। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन ज्वाइन कर लेना। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन पे आस्क कर लेना। और पार्ट फर्स्ट हमने करा दिया है तो पार्ट फर्स्ट डेफिनेटली देख लेना, क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको ट्रिक से रिलेट करके याद कराने की कोशिश करता हूँ। एंड दैट इज़ द ओनली वन वे कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा आपके दिमाग में हिट कर सकती है, अदरवाइज आज याद करोगे 2 दिन बाद भूलने वाले हो। चलो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। कुछ हमने डिस्कस पहले ही कर ली ऑलरेडी, मैं स्लाइड ओपन कर लेता हूँ क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 12 से 13 स्लाइड डिस्कस की थी। तो चलो एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, 9 10 11 12 स्टडी कर ली थी, और इसके बाद 14 ये भी मैंने कर लिया था, जितना ज़्यादा कर लिया वो बेहतर है। 10 UPI, हाँ ये यहाँ से करना था। और कितने करने हैं अभी देख लेते हैं पूरे, मतलब जितने हैं इतने आप पेपर के लिए कर लीजिएगा, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। चलो जितना कर सकते हैं कर देंगे, वही लास्ट सेशन है। और बाकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तो 2 4 5 जो बचेंगे आप उनको देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से करना है, हम इसे कर देते हैं जूम और फिर डिस्कस करते हैं। बाकी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर आस्क करिएगा, ठीक है। तो चलो आगे फटाक से बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। तो बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, बट कोई दिक्कत नहीं। 1 से 2 फुल फॉर्म जो मैंने पूछे थे आप सभी ने उसका आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही करते रहिएगा। फिर से हम आज कम से कम, अगर हम खुद अगर आपसे 50 से 60 कराएंगे, 50 से 60 आपके लिए कराएंगे, तो आपसे 2 3 आप खुद भी पूछेंगे तो आप जरूर बताइएगा। जैसे हमने पूछा था आपका HTTP का, सभी लोगों ने सही बताया था, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और टिन, जैसे पहला यहाँ पे आज का है टिन, TIN, टिन मतलब क्या होता है, टी फॉर टैक्स होता है, टी फॉर टैक्स होता है, आई फॉर इंफॉर्मेशन होता है, और टी फॉर टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ठीक है। टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क, टिन का क्या होता है, टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क। इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। UPI आपके एग्जाम में कम से कम 2 3 बार आ चुका है, कम से कम 2 से 3 बार आ चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे खुद नहीं पता है, ठीक है। इतना मतलब जितना देखा है कि एग्जाम में हमेशा मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। तो UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, कहाँ जा रहे हैं, इधर, ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस IDA, ये बहुत हमसे पूछा जाता है। IDA हमसे जैसे बहुत पूछा जाता है, जैसे कि आप सभी ने ब्रिक्स का सुना होगा, ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स, यस होता है बस इतना, ठीक है। ब्रिक्स जैसे 5 कंट्री का समूह है, ठीक है, ब्रिक्स जैसे 5 कंट्री का समूह है, ठीक है। तो ऐसे ही एक IDA भी होता है, तो उसी का हमसे फुल फॉर्म पूछा, वैसे ये अलग है ये अलग है, ठीक है। ब्रिक्स में जैसे B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो हमसे पूछा 2000 GK का क्वेश्चन, बाद में GK में डिस्कस करेंगे। IDA क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी, R फॉर रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। कल मैंने आपसे एक फुल फॉर्म पूछा DRDO का, एंड सभी लोगों ने बहुत अच्छे से आप सभी ने आंसर दिया। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। जी सतीश रेड्डी अभी तक इसके हेड थे, बट अभी चेंज हो चुके हैं, समीर वी कामत इसके हेड हैं, समीर वी कामत इसके हेड हैं, ठीक है, DRDO की। तो IDA का फुल फॉर्म क्या होता है, आई फॉर इंश्योरेंस और R फॉर रेगुलेटरी, हाँ, और उसके बाद एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जबकि CFL आप सभी के लिए ईजी है, काफ़ी बार इंडियन नेवी के पेपर में पूछा जा चुका है। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प होता क्या है, जब आप ज़्यादा मॉक लगा ले तो बार बार क्वेश्चन आपको घूम फिर के मिलते हैं तो आपके दिमाग में छप जाते हैं, तो लगता है कि हाँ ये आया हुआ क्वेश्चन था कहीं ना कहीं, जरूरी नहीं पेपर में आया हो लेकिन आते रहते हैं मॉक में ये वाला क्वेश्चन, फ्लोरोसेंट, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, ठीक है। NTPC, कल मैंने आपसे NTPC का आई थिंक बताया था और OIL का पूछा था, NTPC का बताया था, OIL का पूछा था, ऑयल इंडिया लिमिटेड। NTPC का क्या होता है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, सेम टू सेम कुछ भी चेंजमेंट नहीं है, जैसा लिखा है NTPC बिल्कुल वैसे ही बता देना। N फॉर नेशनल, T फॉर थर्मल, P फॉर पावर, C फॉर कॉर्पोरेशन, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। भारत की जो महारत्न कंपनियां हैं, 12 महारत्न कंपनियां, उनमें से एक ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं TRAIA, ये तो इंपॉर्टेंट है, हमेशा न्यूज में रहता है, आप सभी सुनते होंगे। भारत सरकार ने TRAIA से कहा, मतलब TRAI ने, मतलब कंपनी से कहा कि इतना इंटरेस्ट रेट, उतना इंटरेस्ट रेट, या फिर कुछ ऐसा समथिंग करके, ठीक है, कि महीने के पे 30 दिन का रिचार्ज ना करो, 31 दिन का रिचार्ज करो, 30 दिन का ही महीना क्यों होता है, 31 दिन का महीना क्यों नहीं होता, ऐसे करके, ठीक। तो TRAI क्या क्या मतलब क्या होता है, टी फॉर टेलीकॉम, री फॉर रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। कल मैंने आपसे एक और भी पूछा था, मुझे याद आते जा रहे तो बताते जाता हूँ,
सीपी जैसे मैंने बताया था ना, उसी में आपको ये वाला वर्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वहीं पे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ऐसे ही एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ओके, आगे सीएडी, ये कंप्यूटर का है, ठीक है। सीएडी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सी फॉर कंप्यूटर, ए फॉर एडेड, डी फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सीएडी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ओके, अगर हमसे आपसे पूछते हैं डीवीडी का क्या होता है, आपसे हम पूछते हैं रैम का क्या होता है, आपसे हम पूछते हैं रोम का क्या होता है, आपसे हम पूछते हैं एचटीटीपी यस का क्या होता है, एचटीटीपी यस, एचटीटीपी का तो आपने बता दिया, यस यस भी हमने ऐड कर दिया, तो इसका क्या होता है। हम पूछते हैं सिम का क्या होता है, ठीक है। तो इन सभी का, तो डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, सीएडी कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम मतलब टेम्परेरी होती है, रोम रीड ओनली मेमोरी होता है, ये परमानेंट होती है, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यस फॉर सिक्योर हो जाता है, सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल हो जाता है, ठीक है। हम सेबी का हमने ऑलरेडी बता दिया। तो सीएडी क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सीएडी क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की ओर, सेबी, अभी तो हम वही डिस्कस कर रहे थे, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बिल्कुल सिंपल है। आगे ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आप सभी हमेशा ये सुनते ही रहते होंगे, हमेशा न्यूज पे रहता है ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। आगे वहीं पे हम बात कर लेते हैं आरटीजीएस, आरटीजीएस आपने कल एक और पढ़ा था, मैंने आईएमपीएस बताया था आपको, आईएमपीएस और एक और बताया था आईएफएससी, ठीक है। ये दोनों बताए थे, दोनों कहीं ना कहीं बैंक से रिलेट करते हैं, दोनों कहीं ना कहीं बैंक से रिलेट करते हैं। एक हो गया एसबीआई, एक हो गया सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई बैंक भी होता है, ठीक है। तो एसबीआई हो गया, सीबीआई हो गया, ठीक है, आरटीजीएस हो गया, बीओबी हो गया, ठीक है। चलो आप एक मुझे बताओगे एचडीएफसी का, एचडीएफसी का फुल फॉर्म आप सभी बताओगे। आरटीजीएस देखो क्या होता है, आरटी मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये भी आपका पेमेंट से ही रिलेट करता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। पेमेंट आपको रियल टाइम मतलब जस्ट आपको पेमेंट जाएगी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आईएफसी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, भाई आपको ये रिवीजन के तौर पे मैं बार बार करा रहा हूँ, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। आईएफसी कोड नहीं होता, आप सभी जो बैंक में रुपए डालते हो, बैंक अकाउंट के अलावा आपको आईएफसी कोड की जरूरत पड़ती है। आईएमपीएस कल आपको बताया था, इमीडिएट, ठीक है, पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो एचडीएफसी का मुझे फुल फॉर्म आप सभी कॉमेंट में बताओगे। अगला आरटीजीएस हमने कर दिया, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सीटीसी क्या होता है, कॉस्ट टू कंपनी, सीटीसी क्या होता है, सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी, ठीक है। और एयरफोर्स नेवी के पेपर में पूछा हुआ है, बी2बी मतलब बिल्कुल सच्ची मुझे याद है कि यही पूछा था, बी टू बी क्या होता है, किसी को पता है बताना कमेंट में, सिंपल है, बी टू बी नहीं आया तो भी बताना, विदाउट चीटिंग बताना, नहीं तो गूगल कर लेना, क्योंकि अगर मुझे याद रहा तो मैं जरूर बताऊंगा। सीटीसी क्या होता है, कॉस्ट टू कंपनी, सीटीसी क्या होता है, कॉस्ट टू कंपनी। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं, एसडीएफ, ओ भाई आ गया यार ये तो, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो फिर से आएगा। एचडीएफसी का हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, कहाँ जा रहे हो, रुकिए रुकिए थोड़ा मांगे बढ़ गए, पीछे आते हैं। हाँ एच डी एफ सी का अपने सामने है यहाँ पे एच डी एफ सी, ठीक है। एच डी एफ सी का एच फॉर हाउसिंग, ठीक है, डी फॉर डेवलपमेंट, एफ फॉर फाइनेंस और सी फॉर कंपनी। एच डी एफ सी का हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, ठीक है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी एच डी एफ सी। आगे बात करते हैं सेंसेक्स, सेंसेक्स सेंसेक्स निफ्टी और अपने क्रिप्टो, ये सभी का सभी सुना होगा, उन्हीं में से ये एक आता है, ठीक है। तो सेंसेक्स का क्या होता है, सेंसिटिव इंडेक्स, सेंसेक्स क्या होता है, सेंसिटिव इंडेक्स, सेंसेक्स क्या होता है, सेंसिटिव इंडेक्स, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, ये सभी को पता होगा, एससी शेड्यूल कास्ट होता है और एसटी शेड्यूल ट्राइब होता है, ये नहीं बताऊंगा, ये देखो शेड्यूल ट्राइब। आगे एमबीबीएस, आप सभी ने सुना होगा ना, एमबीबीएस भाई डॉक्टर बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कल आप सभी को एक बताया था, भारत का जो है स्पेस एजेंसी, ठीक है, उसके बारे में मैंने बताया था, इसरो, इसरो के बारे में बताया था, क्या फुल फॉर्म होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इस वजह से बताने लगा। लेकिन पहले हम इसे कर लेते हैं एमबीबीएस को, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बिल्कुल सरल होता है, जैसे आपने बीए का होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, वैसे ही एमबीबीएस का होता है, पहले आप बैचलर ऑफ मेडिसिन कर दो,
ठीक है, बी जो दोनों बी मतलब बैचलर ही होगा, बीच वाले दोनों बी मतलब बैचलर ही होगा, पहला वाला एम मेडिसिन क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं तो मेडिसिन, और दूसरा सर्जरी, तो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी दोनों का काम खत्म। इधर बैचलर ऑफ आर्ट जैसे याद कर तो ऐसे बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी खत्म। इसरो, इसरो की स्थापना 1969 पे हुई थी। हमसे नासा का फुल फॉर्म पूछ दिया है, तो नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, कल भी हमने ये आई थिंक करा दिया था तो कोई दिक्कत नहीं है। इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, बैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, एम सोमनाथ इसके हेड हैं, और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ये बदले हैं, तो करंट का क्वेश्चन जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, और अभी तक इससे पहले कौन थे, के सिवान थे ठीक है, के सिवान थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिप रेस्ट इन पीस, आप सभी ने सुना होगा, ओम शांति ओम। ईडी ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो आप एसएससी जीडी, एसएससी जीडी नहीं, एसएससी सीजीएल के थ्रू जाते हैं तो फिर आपको ऐसी पोस्ट मिल सकती है प्रमोशन के थ्रू। इन्फॉर्मेशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है, इन्फॉर्मेशन जो हवाला वगैरह होते हैं ना वो उनको पकड़ने का काम इनका होता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसे आप बोलते हो। ई फॉर इन्फोर्समेंट इन्फोर्समेंट, और डी फॉर डायरेक्टरेट, डी फॉर डायरेक्टरेट। आगे सीबीआई, अब वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है यहाँ पे, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ठीक है। सीईओ, सीईओ आपसे पूछ लेता जाए, जैसे कि नीति आयोग का भी सीईओ कौन है आपसे भी से पूछ सकता है, तो नीति आयोग का अगर आपसे पूछ सकता है तो आप बता सकते हो कि कौन है। वैसे अभी तक अमिताभ कांत थे लेकिन अभी बदल चुके हैं ठीक है, अभी बदल चुके हैं, अभी अमिताभ कांत नहीं है। नीति आयोग के सीईओ अभी परमेश्वरन अय्यर है ठीक है। अगर नीति आयोग की उपाध्यक्ष पूछ लेता है तो सुमन बेरी, सुमन बेरी ठीक है। नीति आयोग, अच्छा नीति आयोग का कल नीति का मैंने फुल फॉर्म बताया था, किसी को याद हो तो जरूर कमेंट में जाके कमेंट करो ठीक है। ये वैसे मैं बता ही देता हूँ, चीफ सीईओ का मतलब क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नीति का कल मैंने फुल फॉर्म बताया था, नेशनल इंफॉर्मेशन ठीक है, बताइए नीति का फुल फॉर्म कल ही मैंने आप सभी को बताया था, इंफॉर्मेशन नहीं होगा, चलो नीति का कमेंट में बताओगे ठीक। आगे एसपीजी, एसपीजी क्या होगा, एसपीजी क्या होगा, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड। एसपीजी क्या होता है, एसपीजी अब जो सुनते नहीं हो भाई, एसपीजी सुरक्षा है भाई, एसपीजी मतलब एक्स्ट्रा, एसपीजी लाइक एक्स्ट्रा, तो यस मतलब स्पेशल, एस मतलब स्पेशल, और पी फॉर आपका प्रोटेक्शन, पी फॉर प्रोटेक्शन, और जी फॉर गार्ड, तो एक्स्ट्रा GUARD स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ईसीजी, इंडियन एयरफोर्स भी ईसीजी का आपका सभी का टेस्ट होता है, तो कभी भी ईसीजी दिया होगा तो आपको तो इसका फुल फॉर्म अच्छे से पता होगा, चेक भी चेक किया होगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है ठीक है, हार्ट बीट टाइप में आपकी चेक की जाती है। आप मेरे साथ में 3 बार हो चुका है ये वाला ठीक है, आपको ऐसे मेज पे लिटा दिया जाएगा, उसके बाद वहां पे आपके पूरे शरीर में ऐसे ऐसे कुछ लगा दिया जाता है ऐसे मान लो, फिर वो सब लोग एक इंस्ट्रूमेंट तक लिए रहते हैं और फिर उससे चेक करते हैं। मेरे दोस्त क्या, जब हम मेडिकल देने जाते थे, मेरा दोस्त क्या मुझसे कहते थे भाई ऐसा करना, कुछ अच्छा अच्छा सोचना, कुछ मतलब पॉजिटिव रहना, कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं फंसने वाले हो कभी आप। ईसीजी वही होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, कल मैंने आपको आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस और आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मैंने बस यही बताया था, पी फॉर पुलिस याद रखना और ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन याद रखना, बाकी सब कुछ सेम होता है। वैसे एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। पीएनआर नंबर आप सभी जानते होंगे, पीएनआर नंबर जब आप ट्रेन जाती है आपकी तो उसमें आपको मतलब आप रिजर्वेशन ट्रेन में करते हो तो आपको पीएनआर नंबर मिलता है, जिससे आप ट्रेन ट्रैक कर सकते हो कहाँ पे है, कितना दूर है, कैसे एवरीथिंग। तो पैसेंजर नेम, पी फॉर पैसेंजर, और एन फॉर नेम, और आर फॉर रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड ठीक है, सिंपल है। सीडीआर, सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्ड, वो भी सरल है। ये वाला जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब ये जो रडार का है ना आपको इसे बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। रडार, रेडियो RADIO डिटेक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग, एंड रेंगिंग ओके, ये हो जाएगा। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग देखो बता देता हूँ आप सभी को, मॉक नहीं लगाए तो परीक्षा एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 इसका यूज करके एग्जाम रिलेवेंट सिंगल मॉक टेस्ट, डेली दो दो मॉक टेस्ट लगा के प्रैक्टिस जरूर कर लो, नहीं तो फिर पेपर में बैठे सोचते रहोगे, टाइम 1 घंटे कम निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। 1 आवर में अगर आपको कवर करनी है वो चीज़, इसके लिए आपको प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। तो ऑनलाइन D50 अपना कूपन कोड है, इसका यूज करो और मॉक लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए डीपी, डीपी क्या होता है, डिस्प्ले पिक्चर, आप सभी जानते हो भाई, नाइस डीपी लिख देते हो लेकिन डीपी का फुल फॉर्म पता है आपको, डी फॉर डिस्प्ले और पी फॉर पिक्चर, नाइस डीपी डिस्प्ले पिक्चर।
डीएनए डीएनए और आरएनए दोनों आपको पता होगा, इसमें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। डी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है, और आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, एसिड मतलब, ठीक है, एफ और एसिड हो जाता है। मैं अम्ल बोल रहा हूँ, आप एसिड बोल दो, ठीक है। डीएनए आरएनए दोनों वहीं पर लिखा है। डी ऑक्सो राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, दोनों के दोनों यहाँ पर राइट है। एनआरसी एनआरसी कल मैंने आपको दो बताया था, सी ए ए और कैब सी ए बी। बस मैंने क्या बताया था आपको, बस ये याद रखना है इन दोनों का बिल्कुल सेम होगा, सेम होगा। बी फॉर मैंने क्या बताया, बिल। ए फॉर मैंने क्या बताया था, एक्ट, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, दोनों में कुछ डिफरेंस है, बिल्कुल नहीं है। एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन सुना नहीं है, एनआरसी, ठीक है, एनआरसी क्या सी ये सब सेम भी तो थे, तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, यहाँ पे और चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है। बाकी एनआरसी हमने कर दिया, डीएसपी, डीएसपी क्या हुआ, अब कल हमने क्या डिस्कस किया था, डीजीपी। हाँ, किसी को याद है, पता है, कुछ कुछ भी पता है तो जरूर बताना, ठीक है। जीपी पे थोड़ा सा ट्रिक टाइप में बनाने की कोशिश करी थी, डी फॉर डिप्टी हो जाएगा, एस फॉर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। डीएसपी क्या होता है, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। आपने पिक्चर देखी होगी, क्या नाम था उस पिक्चर का, पुलिस गिरी, पुलिस गिरी, हाँ, पिक्चर लाइक मूवी, उसमें संजय दत्त हीरो होता है, संजय दत्त हीरो होता है, तो वो एक डायलॉग टाइप में मारता है भाई, क्या मारता है डायलॉग मुझे नहीं याद, पता नहीं, लेकिन मुझे उसमें वो डीएसपी होता है ये मुझे पता है। वो पहले किसी शहर में आता है, क्या उस शहर का नाम होता है, नागापुरम। फिर वो कहता है कि वो मतलब पहले आके ऐसे मतलब गंदे लोगों लाइक गुंडा टाइप में बन के आता है, फिर उधर से वो दूसरे लोगों को सबसे पहले सब सीक्रेट्स जान लेता है, फिर बाद में पुलिस वालों को मारता है, फिर वो कहते हैं सब, तो कहता है मैं डीएसपी हूँ, डीएसपी मतलब डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, मतलब डीएसपी मतलब डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। उस मूवी में ये डायलॉग है, मैं डीएसपी आपका, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। आगे सीआरपीएफ आपको पता होना चाहिए, सीआरपीएफ आपको पता होना चाहिए, आईटीबीपी आपको पता होना चाहिए, आईटीबीपी पता होना चाहिए, और उसके बाद एसएसबी आपको पता होना चाहिए, उसके बाद बीएसएफ आपको पता होना चाहिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल हो जाता है, ठीक है। आगे आईटीबीपी आपको पता होना चाहिए, सीडीएस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एनडीए आपको पता होना चाहिए, और कुछ पता है, सीआरपीएफ हो गया, तो सीआरपीएफ का तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ईजी है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ का पता होना चाहिए, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, और आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है। अब हमेशा ये मत याद रखना कि बीएसएफ हर जगह बॉर्डर पे लगता है, चाइना के साथ बॉर्डर पे पता है आईटीबीपी लगता है, ठीक है, बीएसएफ पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे लगता है। चलो आगे बात करते हैं, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर दिल्ली एनसीआर सुना होगा ना, तो भाई मैं दिल्ली एनसीआर पे रहता हूँ, नेशनल कैपिटल रीजन, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगा, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से, बस आई फॉर स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, मुझे बोल दिया करो नहीं पढ़ना मत पढ़ो, बट सब्सक्राइब कर लो यार, कुछ नहीं जाता। आगे नेक्स्ट, एनसीसी, एनसीसी 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, एनसीसी की, ठीक है, और नेशनल कैडेट कॉर्प्स इसका मतलब फुल फॉर्म होता है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स इसका फुल फॉर्म होता है। एमएलए आप सभी जानते हो, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए। आगे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, एसडीएम अभी हमने कुछ देर पहले एसडीएम क्या दिया, डीएसपी किया था, ठीक है, डीएसपी मतलब डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जबकि मगर एसडीएम हमसे बोल देता है तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एज फॉर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। आगे बढ़ता है, एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन कर चुके हैं, डीएसपी, रुको 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 रुको, हाँ ठीक है, ये तो हम कर चुके हैं ना, हाँ ये भी, हाँ चलो चलो ठीक है, हाँ ये आईएमईआई नंबर क्या होता है, ये सब आप सभी का जब फोन खो जाता है ना, तो इससे आपको फोन के लोकेशन का पता किया जा सकता है कि कहाँ पे है, तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, आप सभी के मोबाइल के पीछे लिखा होता है आईएमईआई नंबर होता है, ठीक है, तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, आई फॉर क्या हो जाता है इंटरनेशनल, और एम फॉर मोबाइल, ई फॉर इक्विपमेंट, और आई फॉर आइडेंटिटी, तो आई एम ई आई का इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। बीसीसीआई आप सभी नाम से सुना होगा, बीसीसीआई भारत का लाइक क्रिकेट है, बीसीसीआई का आईपीएल होस्ट कराता है, भारत क्रिकेट, भारत बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, सिंपल है ये, मुझे नहीं लगता बताने की, आईसीसी का जरूर मुझे बता सकते हो क्या होगा, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग,
आगे यूजीसी, यूजीसी का नाम आप सभी ने सुना होगा, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी, यूजीसी मान लो यूनिवर्सिटी वैसे भी ग्रांट होती है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। कमीशन की स्पेलिंग बहुत लोग नहीं बता पाते, कमीशन में कॉम प्लस मिशन, भाई अपने को काम है क्या इस चीज का, कमीशन कमीशन इंग्लिश में मिस स्पेल्ड में बहुत बार आपको देखने को मिल सकती है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एचटीसी हाईटेक कंप्यूटर, एचटीसी, एचटीसी हाई टेक कंप्यूटर, एचटीसी हाईटेक कंप्यूटर, एचटीसी ये आपका हुआ हाईटेक कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, यहाँ पे बस चल लास्ट हो चुका आपका। FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम एक सेकंड रुको यार, लेके जाना जरूरी है, क्योंकि उसमें कुछ हमने लिखा था, आपको बताना पड़ेगा। मत जाओ, रहने दो, ठीक है। तो फर्जाई क्या हो, फूड फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया ऐसे समथिंग था। रुको यार, देख ही लेता हूँ मैं। थोड़ा सा रुक जा, बस आ गए अपन। पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। बस हाँ ठीक है, ये देखो लिखा है, वही तो वहीं पे तो है अपन। तो FSSAI ये अच्छा है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाता है। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, जो आप सभी ने दोनों सेशन देखे। आपका कोई डाउट है तो भाई आज कर लीजिएगा, कमेंट में रिप्लाई करेंगे टाइम निकालते ही। बाकी ध्यान रखिए खुद का, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद, नाउ ऑल द बेस्ट।